बोलो रामानंद जी महाराज की, बोलो देवानंद जी महाराज की, बोलो ब्रह्मानंद जी महाराज की। मैं सबसे पहले आगाज करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। महान साधु संतों के समक्ष बैठना सौभाग्य की बात होती है, उनके शब्द प्रसाद होते हैं और उनकी उपस्थिति में रहना महान होता है। जब वसंत ऋतु आती है तो उसके आगमन से बागों में बहार आती है, वैसे ही जब जीवन में कोई संत आता है तो जीवन में भी बहार आती है। पानी के बिना नदी का महत्व नहीं है, पानी के बिना नदी का महत्व नहीं है, पैसे के बिना खाली पर्स का पॉकेट का महत्व नहीं है, प्रेम के बिना संबंधों का रिश्तेदारों का महत्व नहीं है और गुरु के बिना जीवन का महत्व नहीं है। नदी के पीछे पीछे चले जाओ आपको सागर मिल जाएगा, उसी तरह गुरु के पीछे पीछे चले जाओ, गुरु की उंगली पकड़ लो, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। जहां कहीं भी ये जाते हैं, जहां देवानंद जी के बारे में कह रहा हूं, जहां कहीं भी ये जाते हैं संस्कार ये दे जाते हैं, कई पीढ़ियों के माथे का कलंक ये धो जाते हैं, ये दे जाते हैं बीज जमी को नव निर्माणों का। ये है ऐसा बीज जिसको आने वाला कल गाता है, जिसको आने वाला कल गाता है। स्त्री यदि बहन है, स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है, स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है, मामी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है, स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, स्त्री अगर साथी है तो सुख की सतत संभावना है, और स्त्री यदि माँ है, और स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। कहूंगा समर में खाता जो खा उसी का मान होता है, समर में खाता जो घाव उसी का मान होता है। समर यानी युद्ध, पाषाण यानी पत्थर, छिपा उस वेदना में भी एक मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट छेनी की हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। और कार्यक्रम को एक बार समाप्त करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।